अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने जाएंगे आम के पापड़। तो इसकी तरतीब बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 1 किलो आम लिए थे, बिल्कुल पके हुए आम लिए थे। इनको छील के काट लिया है इस तरह से, और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी बग़ैर कोई लिक्विड डाले, पानी या दूध डाले। तो इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और फिर आगे का इसका प्रोसेस इस तरह से है कि इसे हम पैन में पकाएंगे। तो पहले मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट की सूरत में बन गया है, और फ्लेम बिल्कुल हल्का मैंने चलाया हुआ है इसके अंदर। और ये आधा कप चीनी मैं डाल रही हूँ इसमें, और 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। आप चाहें तो मसाला डालें, आप चाहें तो मसाला ना डालें। और 1 टेबल स्पून काला नमक डाल रही हूँ, मगर आप मसाला डालेंगे तो इसका फ़्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो ये आप ज़रूर डालिएगा। अक्सर लोगों को मसाले वाला नहीं पसंद होता, तो वो सादा भी बना सकते हैं। और इसमें 2 पिंच के करीब मैं इसमें फूड कलर डालूँगी, ऑरेंज फूड कलर, ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, 2 पिंच इसमें फूड कलर डाल रही हूँ मैं, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और करीब 10 मिनट इसे हम पकाएंगे। क्योंकि ये पहले से ही गाढ़ा है, इसलिए ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। ये 10 मिनट में और अच्छा बेहतरीन गाढ़ा हो जाएगा, और इसको मैं चला रही हूँ। इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको मुसलसल हम चलाते ही रहेंगे। ये देखें, 10 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते हुए, और इसको आगे हम आपको बताते हैं। इसको हम एक बड़े से प्लेटर में या किसी थाल में इस तरह से हम इसे जमाएंगे, और कम से कम 2 दिन लगेंगे इसको बहुत अच्छे से जमने के लिए, ड्राई होने के लिए। ये देखें, ये बड़ा थाल मैंने इस तरह से लिया है, इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसको ऑयल को बहुत अच्छे से पूरे थाल में फैला लूँगी। और फिर हम इसमें जो हमने आम के रस को पकाया है वो इसमें डाल देंगे। ये देखें, और इसको अच्छे से हम इसमें फैला देंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना मोटा बनाना चाह रहे हैं, कितना बारीक बनाएंगे। जितनी पतली लेयर होगी उतनी जल्दी सूखेगा, और अगर मोटी लेयर होगी तो 3 से 4 दिन भी लग जाएंगे इसको सूखने के लिए, और जितनी पतली लेयर होगी उतनी जल्दी ये सूख जाएगा, जैसे तकरीबन 1.5 से 2 दिन लग जाएंगे। इस तरह से हम इसको फैला देंगे। ये देखें, बिल्कुल हमवार होना चाहिए सूखने के लिए ये। ये बहुत आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब इसे हम चाहें तो धूप में भी सुखा लें, चाहें तो पंखे में सुखा लें। मैं इसे पंखे में सुखाऊंगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें कितनी आसानी से ये लेयर निकल रही है, ये देखा आपने। अब इसको पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको इसको उतार के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। पूरे 2 दिन लगे हैं इसको सूखने के लिए, और मैंने इसे पंखे में सुखाया था, धूप में नहीं सुखाया है। ये देखें,
और इस तरह से मैं इसे रोल करके उतार रही हूँ। आप चाहें तो बॉक्स में काट के एक के ऊपर एक रख के भी उतार सकते हैं। मैं इस तरह से इन्हें रोल करके उतार रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने और भी बनाया हुआ है और ये तमाम मैंने ऐसे ही उतारे हुए हैं इस पे से, ट्रे पे से। तो आप भी इसी तरह से इसको किसी बॉक्स में बंद करके फ्रीज में रख लें तो आप इसको आराम से खा सकते हैं। 10 से 15 दिन के लिए ये ख़राब नहीं होंगे। बहुत आसान तरकीब है बनाने की, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।